अंबाला में 100 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है हरियाणा का पहला बैंक स्क्वायर। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार देर शाम को किया शिलान्यास। शिलान्यास के दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दी जानकारी। कहा, 100 करोड़ की लागत से बनने वाले बैंक स्क्वायर की बिल्डिंग होगी ग्रीन, एक ही छत के नीचे होंगे 34 बैंक। विज ने बताया कि 4 मंजिला बिल्डिंग का सेंट्रल टावर 9 मंजिला होगा। कमर्शियल और कॉर्पोरेट दफ्तरों के लिए भी होगी जगह। फूड प्लाजा पार्किंग से लैस होगा बैंक स्क्वायर अम्बाला। ये लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और ये ग्रीन बिल्डिंग बनेगी। हिंदुस्तान में कम ही हैं अभी तक ग्रीन बिल्डिंग्स। इसका कंसेप्ट बिल्कुल नया है। सारे अम्बाला छावनी के जो बैंक हैं उनको इसमें स्थान देंगे। लगभग 34 बैंकों के लिए इसमें प्रावधान रखा गया है और भी जो कमर्शियल या कॉरपोरेट ऑफिस हैं वो भी इसमें आ सकेंगे, क्योंकि ये 4 मंजिला वैसे बनेगा और जो इसका सेंट्रल टावर है वो 9 मंजिला बनेगा। इसमें पार्किंग की भी पूरी व्यवस्था की गई है, सिक्योरिटी का भी पूरा इसमें इंतज़ाम किया गया है और इसमें फूड पार्क भी बनाया गया है कि इतने एम्प्लॉइज होंगे तो उनके लिए इसका इंतज़ाम भी इसमें किया गया है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद निवासियों को दी सौगात। सामुदायिक भवन का निर्माण, सड़कों के निर्माण समेत करीब 5 करोड़ के विकास कार्यों का किया शिलान्यास। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि सामुदायिक भवन बनने से गरीबों को होगा फायदा, बेटियों की शादी करने के लिए नहीं खर्च करने पड़ेंगे लाखों रुपए। विपुल गोयल ने बताया कि एक साल में बनकर तैयार हो जाएगा सामुदायिक भवन। कार्यक्रम करने के लिए सिर्फ 10 से 11 हजार रुपए करने पड़ेंगे खर्च। डिलीवरी के मामले में महिलाएं अब सरकारी अस्पतालों को दे रही हैं तरजीह। यमुनानगर के जगाधरी अस्पताल में डिलीवरी के मामले में बना रिकॉर्ड। यमुनानगर के जगाधरी अस्पताल में प्रतिदिन होने लगी है 20 से ज्यादा डिलीवरी। अगस्त के महीने में 620 महिलाओं ने कराई डिलीवरी। डिलीवरी के बाद अनेक सुविधाएं देता है जगाधरी अस्पताल। डिलीवरी के दौरान एम्बुलेंस, दवाइयां, ऑपरेशन, खाने पीने का प्रबंध है निःशुल्क। किसानों की आय को दुगना और खर्च कम करने के लिए यूरिया और जैविक खाद के मिश्रण का किया जा रहा है प्रयोग। कुरुक्षेत्र के प्रगतिशील किसान करण सीकरी ने की पहल। प्रगतिशील किसान करण सीकरी पंजाब में पहले भी कर चुके प्रयोग, अब हरियाणा में करेंगे प्रयोग। यूरिया और जैविक खाद के मिश्रण के प्रयोग से बढ़ेगी किसानों की उपज। नए प्रयोग से पंजाब में किसानों को मिले हैं अच्छे परिणाम। कुरुक्षेत्र के किसानों की भी बड़ी उम्मीदें। प्रयोग की पहल करने वाले करण सीकरी को कृषि क्षेत्र में योगदान के लिए मिल चुका है राष्ट्रीय अवार्ड।